नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं देश विदेश पर राज्य की अब तक की 10 प्रमुख खबरें। भूपेश कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर को, स्कूल खोलने, धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर होगा अहम फैसला। पीएम मोदी का एमपी दौरा, 4 घंटे के लिए 23 करोड़ खर्च करेंगी मध्य प्रदेश की सरकार। दिल्ली ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के 83 आरोपियों को 2-2 लाख रुपए की मदद देगी पंजाब सरकार, सीएम चन्नी ने किया ऐलान। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन में महिला सैनिक के साथ रेप, कर्मचारी पर लगा आरोप, मामले की जांच जारी। बोनी कपूर और उनके परिवार को मिला दुबई का गोल्डन वीजा, दुबई सरकार ने दिया बर्थडे गिफ्ट। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश के आसार, रायपुर में बौछारे शुरू। मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़े हालात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें। आगरा में युवती की संदिग्ध मौत के बाद भिड़े 2 समुदाय, पुलिस पर भी पथराव और फायरिंग। कोरोना ने लगातार दूसरे दिन ली 500 से ज्यादा जाने, 24 घंटे में मिले 11,850 नए मामले। ऐसे ही देश विदेश व राज्य से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।